अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। आपको मैंने कल बताया था ना कि शादी का कार्ड आया हुआ है, तो अब्दुल्ला हाथ का सूट देखते हैं। और देखो शायद मैं भी अपना ले लूं। गर्मियों के हिसाब से ना सूती कपड़े कोई नहीं है, मतलब शादियों में पहनने वाले कोई नहीं है। वैसे तो ईद में जो लिए थे वो हैं लॉन वाले, लेकिन वो तो सादा है प्रिंटेड, तो और वैसे वो हैं वो भी पुराने गए हैं। लॉन के कपड़ों का तो यही है ना कि दो चार दफ़ा पहनो और बस ख़त्म, बल्कि दूसरी दफ़ा ही वो पुराने लगने लग जाते हैं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं, अगर मेरा कोई सूट मुझे अच्छा लगा तो मैं भी लूँगी और अब्दुल हक का सूट भी लेंगे। अम्मी को तो मैंने कहा है कि आप भी ले लो, लेकिन अम्मी कह रही कि नहीं मैं नहीं ले रही, मैं ईद पर ही लूँगी। तो चले चलते हैं, आपको भी ले चलिए साथ। अब्दुल अहद गया हुआ है सिपारा पढ़ने, वो आ जाए ना तो फिर निकलते हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं बस। अब ये यहाँ पे देखें खजूर, माशाल्लाह इतनी सारी खजूर लगी हुई है इस दरख्त पे, पता नहीं आपको सही से नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। माशाल्लाह बहुत सारी लगी हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ नहीं मज़ा है, ग्रीन और कुछ येलो है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत कल से ना कल रात से बहुत अच्छी हवा चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अब्दुल अहद हमारे साथ शॉपिंग पर नहीं आया, उसको हम घर छोड़ कर आए हैं। हमने तो उसको बोला है कि हमारे साथ चलो, लेकिन ना वो खेल रहा था लड़के के साथ, कज़न का बेटा है मेरा, तो उसके साथ वो खेल रहा था। कहता है मम्मा आप लोग जाओ तो मैं इधर ही खेलता हूँ। वैसे भी वो शॉपिंग पे ना बोर हो जाते हैं, हम लोग तो शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो बार बार कहता है मम्मा बस करो घर चलो, मम्मा बस करो घर चलो, तो हमें भी तंग करता है। इसलिए हमने भी कहा चलो ठीक है तुम घर पर ही रहो, शमाइला का हम लोग कह कर आए हैं कि इसका ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं करनी थी, बस कपड़े ख़रीदने हैं मेरे और अब्दुल अहद के, और बाकी कोई छोटी मोटी ज्वेलरी ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदना था। ईद पर बहुत कुछ लिया था तो वो पड़ा है, ज्वेलरी एयरिंग्स जो हैं वो भी रखे हुए हैं, कोई ना कोई पहन लूँगी मैच कर ही लूँगी। तो बस हम लोगों ने शॉपिंग कर ली और अब हम लोग जो है ना वो घर वापस आ रहे हैं। तो मास्क भी मैंने ले लिया था और आते हुए हम लोग दही बड़े ले आए थे, कि हमने कहा था कि चलो सालन ना बनाना पड़े और दही बल्ले के साथ ही रोटी खा लेंगे। हम लोग बाजार से वापस आ गए हैं और आज अब्दुल अहद को घर छोड़ के गए थे, आज हमें मिस किया था जी कितना बहुत। हमने भी आपको बहुत मिस किया, हमें आपकी याद आ रही थी, हमने कहा हमारा बच्चा रो ना रहा, रोए तो नहीं थे, खेलते रहे थे, मिल गया। अच्छा। शॉपिंग करके आ गए और थक गए। रास्ते में क्या मिला था बता दो। कुछ भी नहीं मिला था, रास्ते में मेरी बाइक जो है ना एक जगह पे अटक गई थी, तो फिर एक भाई ने वहाँ पे धक्का लगाया था, तो फिर वहाँ से निकली है। शॉपिंग से आ गए और अब आपको दिखाती हूँ मैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। कपड़े लेकर आए हैं दो सूट, लेकिन सबसे पहले अब्दुल अहद का सूट दिखाती हूँ। हाँ मेरे बच्चे का, पहले सबसे स्पेशल इंसान का अब्दुल अहद का रेडीमेड लिया है, टाइम बहुत कम है। सर उसको देखो जरा उसकी। अच्छा लगे? इधर देखो सोने आया ये दिखाए ना, ये है अब्दुल अहद का सूट। इस पे यहाँ पे भी रेटा बना हुआ है और एक बाजू पे भी बना हुआ है, आजकल ये फैशन आया हुआ है तो सब लड़कों के, मर्दाना भी ऐसे बड़े सूट भी आजकल चल रहे हैं और बच्चों के भी चल रहे हैं, और इसके साथ शलवार है। गर्मी बहुत है इसलिए शलवार कमीज ली है, पैंट शर्ट नहीं ली। अच्छा मेरा सूट मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये लिया है, आप अपना पकड़ के दिखा, ये इसमें ना काम है जॉर्जेट का, ये जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना, क्रिंकल क्रिंकल का कपड़ा है और इसके ऊपर ये काम है और ये लाइट ग्रीन कलर है। ये इसकी सादा शलवार है और कमीज जो है ना ये फुल काम वाली है
और ये है दुपट्टा, ये दुपट्टे में हल्का हल्का सा काम है इस तरह से। ये शलवार घर पड़ी थी तो इसकी मैच करके लाए हैं। ये वाली जो शलवार है ना, ये हमारे घर पड़ी थी, ये काफी अरसे पुराने कपड़े थे। बेटा अभी कैसे आ गए, हटो। तो ये पुरानी शलवार है, लेकिन इसके कमीज और दुपट्टा खराब हो गया था, शलवार बिल्कुल ठीक पड़ी थी। तो मैंने सोचा इसके साथ जो है ना मैच करके ले लेते हैं सूट, क्योंकि कलर ही अच्छा लग रहा था। तो एक ये सूट लिया है, और इसके साथ लगाने के लिए छोटी छोटी सी लेस भी ली है, पाइपिंग है, लेस है इसकी। अच्छा, इसकी लेस। और एक ये वाला सूट है, ये है पिंक कॉटन का है, कॉटन पे काम है। ये देखें, ये दामन पे काम है, और ये है गला। और इसका जो दुपट्टा ना वो क्रिंकल का है, ये माशाल्लाह से ही। हाँ, ये इसका वो बना हुआ है। हाँ जी, इस पे भी छोटी सी बेल बनी हुई है, दुपट्टे पे भी बनी हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर लग रहे हैं। बस ये तीन सूट ही लिए हैं। मैंने तो अम्मी को कहा कि आप भी अपना ले, लेकिन अम्मी ने कहा मैं नहीं लेती। बस मेरे बच्चों ने पहनने थे, मैंने पहने। मेरे पड़े हैं वैसे भी बहुत कपड़े इस सूट के लिए। नहीं, ये वाली पाइपिंग ली है ग्रीन। और ये एक कप, मेरा कप टूट गया था, जो मेरा बड़ा कप था ना वो टूट गया था, तो ये कप लिया है। हाँ, उन्हीं अंकल से लिया है। अच्छा, इसकी लैस थी, मैंने समझा वो है। हाँ, ये लैस थी। अब्दुल अहद को देखो, बार बार अपने कपड़े को तह लगा रहा है और खोल रहा है और तह लगा रहा है। शोनी, घर आकर हम लोगों ने रोटी बनाई, और फिर दही भल्ले के साथ हमने रोटी खाई। हम लोग दही भल्ले के साथ रोटी खा लेते हैं। वैसे हम लोग आम के साथ भी रोटी खा लेते हैं, चटनी के साथ भी खा लेते हैं, खाली सलाद के साथ भी खा लेते हैं, प्याज के साथ भी खा लेते हैं। मतलब बस पेट भरना होता है ना, किसी भी चीज़ के साथ इंसान भर सकता है। और जो चीज़ उस वक्त मिल रही होती है ना आपको, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लेनी चाहिए। कोई नखरा वखरा हम लोग नहीं करते। तो रोटी खाई, उसके बाद चाय बनाई थी, थक बहुत गए थे ना हम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को सो गए हैं, ब्लॉग जो है ना हमारा अधूरा रह गया था, तो अभी जो है ना उसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सुबह हो गई है, रोटी बना रही हूँ, नाश्ता। पराठे नहीं बना रही, सादा रोटी बना रही हूँ, बस ऊपर घी लगा देती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा आटा इस्तेमाल करते हो, कि ये मैदा होता है। मैदा नहीं है ये? नहीं नहीं, मैदा तो नहीं है, ये वाइट आटा ही है। हाँ, लेकिन ये होता सफेद है। बताओ ना, मामू लोग भी आ गए हैं रात को। हाँ जी, तो उनके लिए आज नाश्ता हम बना रहे हैं। बड़े मामू शिफ्ट हो गए, यहाँ पे सारा सामान वो अपना ले आए हैं रात को, तो अभी उनका चूल्हा नहीं बना, मतलब चूल्हे का इंतज़ाम वगैरह अभी आज वो करेंगे। तो सुबह का नाश्ता हमने कहा चलो हम दे देते हैं, तो रोटी उनके लिए बना रही हूँ, चाय भी बना के थरमास में देंगे। हाँ जी, माशाल्लाह से अब चार बंदे हैं, एक बच्चा है, वो तो छोटा है। के वो तो खैर छोटा है, माँ को क्या चाहते हैं कि बहू, उनका बेटा माशाल्लाह। वो मैं तो काम पे चला गया होगा बस, मेरी तो सूखी रोटी बनाना। घी महंगा हो गया, पराठे छोड़ने पड़ेंगे। क्या करें, चाय बन रही है, माशाल्लाह मेहमान आ गए, नाश्ता कर रहे हैं। और अब मैंने कहा चाय बना लो, चाय दे के फिर हम उनके साथ बैठेंगे।
फिर इसमें चीनी डालूँगी और गर्मी पा। शुगर के मरीज है उसके लिए फिक्की निकालते हैं, मैं भी फिक्की पीती हूँ। आ जाए आप लोगों ने नाश्ता करना है। नाश्ते में हम लोगों ने चने लिए थे और दही भी ली थी कि अगर कोई दही के साथ खाना चाहे तो दही के साथ खा ले, और जो चने के साथ खाना चाहे वो चने के साथ खा ले, कोई चाय के साथ खाना चाहे तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। बड़े मामू ज़्यादातर जो है ना वो दही के साथ खाते हैं क्योंकि वो दही ठंडा होता है, और फूफो दही कम खाती हैं, वो चने पसंद करती हैं, तो फिर उन्होंने चने के साथ रोटी खाई थी। और मैंने जो है मैंने चाय के साथ पराठा खाया था, मैंने अपना पराठा बनाया था। अम्मी ने कहा कि सबकी रोटी ऐसे ही बनानी है कि कोई दही के साथ खा रहा था कोई चने के साथ खा रहा था, लेकिन मेरे लिए जो है ना सिर्फ चाय बची थी, तो मैंने कहा चले मैं चाय के साथ जो है ना वो पराठा बना लेती हूँ। फिर चाय के साथ जब बंदा खाता है ना तो वो घी वाली रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन जो पराठा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने चाय के साथ खाना था तो मैंने फिर अपना जो है ना वो पराठा बना लिया। ये मामू लोग बैठे हैं, इन लोगों ने नाश्ता कर लिया और अब मैं और अम्मी नाश्ता कर रहे हैं। आखिर में ये कपड़े अब सिलाई वाले को देने जा रही हैं अम्मी। पता करें सी देती है तो दिन तो एक ही है, अब देखो लेती है कि नहीं लेती। लग रहे ले ले चल ठीक है। ये था हमारा आज का ब्लॉग, कपड़े हमने सिलने के लिए दे दिए हैं और बाकी भी कुछ ना कुछ तैयारी कर लिया है, बाकी जो थोड़ी सी तैयारी रहेगी वो कल करेंगे, तो फिर हम शादी में इंशाल्लाह कल रवाना हो जाएंगे। आप लोगों को भी साथ ही लेके चलेंगे, कल मेहंदी है तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। वीडियो पूरी देखा करें एज मिस स्किप ना किया करें ताकि मेरी अच्छे से सपोर्ट हो सके, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। और आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कल जो है हम लोग घर से निकलेंगे, वो तो कल का दिन जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो कल मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।